ETF क्या है? तो ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये एक फंड है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अभी तक मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में जो बताया है ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड एक्सचेंज जैसे NSE या BSE पर ट्रेड नहीं होता, लेकिन ETF एक्सचेंज पर ट्रेड होता है जस्ट लाइक अ स्टॉक। अब इसकी अच्छी बातें जानते हैं। तो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड आपको खुद रिसर्च नहीं करना पड़ता, फंड मैनेजर खुद की रिसर्च से पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसका यूनिट एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, उसी की ट्रेडिंग होती रहती है शेयर की तरह। दूसरा, इसको आप डेली कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। तीसरा, ये भी आपके रिस्क को घटाता है क्योंकि डाइवर्सिफाइड है। चौथा, ये किसी इंडेक्स की कॉपी होता है, एग्जाम्पल NIFTY ITBs। इसमें क्या होता है, NIFTY IT में जो भी शेयर है ना उसी में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे आपका रिटर्न उस पार्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। अब कौन से पे आते हैं, नेगेटिव पे। तो जैसा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है सो रिटर्न भी कम होता है, उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना इंडेक्स रिटर्न दे रहा है। इसमें एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के कंपेयर में कम है। ETF के एक्सपेंस रेशियो 0.35% तक होता है, वहीं म्यूचुअल फंड में 2% तक रहता है। ETF में लिक्विडिटी की समस्या आ जाती है, यानी लो ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से बाय सेल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। आखिर सवाल आता है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड तो फेमस है बट ETF फेमस क्यों नहीं है? तो आपके स्क्रीन पर एक डेटा है, वीडियो को पॉज करिए और खुद पढ़िए। क्लियर है कि म्यूचुअल फंड में चूंकि कमीशन मिलता है, ETF में कमीशन नहीं मिलता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ETF को नहीं किया जाता है। लेकिन ETF के साथ समस्या वॉल्यूम की है, लिक्विडिटी की है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। प्लस वो सिर्फ इंडेक्स से रिलेटेड रह जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ इंडेक्स तक का ही रिटर्न आपको मिल पाता है, ये भी भूलना नहीं चाहिए।